हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं तस्कीर और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक की, जो है डिस्क्रिप्शन टैग। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन टैग के बारे में समझने वाले हैं। जिस वक्त आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना स्टार्ट करते हैं, आप जो सबसे पहले चीजें सीखते हैं वो होते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन। यहीं से हम सबकी शुरुआत होती है कि आखिर टाइटल क्या है, किस तरीके से हमें टाइटल लिखना है, उसके अंदर कीवर्ड्स किस तरीके से डालने हैं, किस तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन टैग की लिमिट कितनी होती है, कितने कैरेक्टर्स हमें वहां पर रखने हैं, किस तरीके से हमें कीवर्ड्स को उसके अंदर यूज करना है, इन्हीं सारी चीजों से हमारी शुरुआत होती है। और उसके बाद भी हम शुरुआत इसी चीज से करते हैं, बहुत बार इंप्लीमेंट करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं टाइटल लिखने की, डिस्क्रिप्शन लिखने की, उसके बाद भी हम डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या गलती होती है हमसे जिस वक्त हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड्स उठा उठा के भर देते हो। ये नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन जो है वो कीवर्ड्स के लिए नहीं है। ठीक है, हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, उसके अंदर एक दो कीवर्ड्स हम अपने मेन कीवर्ड्स यूज करते हैं उसको मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वहां पर कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। फिर आप कहोगे कि डिस्क्रिप्शन की इतनी वैल्यू क्यों, हर कोई बोलता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड रखने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड रखने हैं, तो क्या डिस्क्रिप्शन एक रैंकिंग फैक्टर है या नहीं है? ये क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि डिस्क्रिप्शन एक रैंकिंग फैक्टर है या नहीं। डिस्क्रिप्शन एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। डिस्क्रिप्शन एक रैंकिंग फैक्टर है, जरूर है, बट डिस्क्रिप्शन एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं। अब सवाल उठता है कि ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर और इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर क्या होता है, हमें सीधे सीधे बताओ भाई कि हमें कीवर्ड उसमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो पहली बात, एक कीवर्ड आप रख सकते हो उसके अंदर, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारे डिस्क्रिप्शन टैग्स हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन का कंटेंट है, वो रैंकिंग फैक्टर है या नहीं है, तो वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। अब इस चीज को समझते हैं। देखो, जिस वक्त भी यूजर कोई कीवर्ड सर्च इंजन में टाइप करता है, उस वक्त सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस उसे कुछ रिजल्ट्स देता है। अब रिजल्ट वो देता है, लेकिन यहां पर बहुत सारे रिजल्ट दिखे, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखे, ये 1, 2, 3 तीन एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तीन ऑर्गेनिक रिजल्ट यूजर को दिख रहे हैं और आपका जो यहाँ पर जो आपका रैंक कर रहा है, आपका जो वेबसाइट रैंक कर रही है, आपका जो पेज रैंक कर रहा है, वो रैंक कर रहा है पहली वाली पोजिशन पे। ठीक है, वो रैंक कर रहा है पहली वाली पोजीशन पे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, और यहां पर आपके कॉम्पिटिटर के टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर के वेब पेजेस रैंक करें तो उनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। यूजर आता है और यूजर क्या करता है, सेकंड वाले पे क्लिक कर देता है। यूजर क्या करता है, सेकंड वाले रिजल्ट पे क्लिक कर देता है। जरूरी नहीं है कि यूजर हर बार आएगा और पहले वाले ही रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, ये जरूरी तो होता नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, वो आया और उसने क्या किया, उसने पढ़ा किन चीजों को, यहां पर जो टाइटल दिया था उसको पढ़ा, यहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसको पढ़ा, सेकंड वाले केस में जो टाइटल डिस्क्रिप्शन दिया था उसको पढ़ा, उसको सेकंड वाला डिस्क्रिप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, उसे सेकंड वाला टाइटल डिस्क्रिप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसके ऊपर क्लिक करके उस पेज के ऊपर चला जाएगा, उस पेज के ऊपर चला जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका इंप्रेशन हुआ, लेकिन इंप्रेशन होने के बाद भी आपको क्लिक्स नहीं मिले, क्या प्रॉब्लम होगी, आपका CTR नीचे गिरेगा, आपका क्लिक थ्रू रेट नीचे गिरेगा। तो डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या कर सकता है, सेकंड वाला एग्जांपल हमने क्या लिया, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन यूजर को कन्विंस कर सकता है कि आप इस रिजल्ट के ऊपर क्लिक करो और इस वेब पेज के ऊपर जाओ, आप इस रिजल्ट के ऊपर क्लिक करो और इस वेब पेज के ऊपर जाओ, तो वो कन्विंस कर सकता है। कन्विंस करके जब वो क्लिक होगा तो क्या होगा, CTR इंक्रीज होगा, और CTR रैंकिंग फैक्टर है। अगर CTR इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि एक सिग्नल जाता है गूगल के एल्गोरिदम के पास कि ये जो पर्टिकुलर वेब पेज है इसका CTR अच्छा है, तो उसको धीरे 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 रैंकिंग में इंप्रूवमेंट मिलता है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या सीधे सीधे हमें जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमें सीधे सीधे कीवर्ड्स भर देने चाहिए? ऐसा नहीं है। कीवर्ड्स, अब जो कीवर्ड्स का भरना है ना, वो अब काम नहीं करता है। ठीक है, अगर आप पुराने मेथड्स के ऊपर हो और आप बोलो कि ये चीज मैंने करके देख लिए, पहले ये चीज काम करती थी, मैंने कई बार देखा है, तो वो टाइम थोड़ा सा निकल गया। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर, एग्जैक्ट बहुत ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं होता है। ठीक है, पहले तो जो मेटा कीवर्ड्स टैग है उसके अंदर भी कीवर्ड्स भर के काम हो जाता था, बट अब वो नहीं होता है। ठीक है, तो चीजें चेंज हो रही,
तो डिस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, ठीक है। क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉलर जो डिस्क्रिप्शन है आपका, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, उसी को पढ़ के समझता है कि आपका जो पेज है वो किस चीज के बारे में है। तो आपको डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखना है कि आप उसको समझा सको ये पेज किस चीज के बारे में। कीवर्ड्स उठा के नहीं भर देने, उसको कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, आपके जो कीवर्ड्स की इंटेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाता है कि आप स्पैम करने की कोशिश कर रहे हो, आप जबरदस्ती इसके अंदर कीवर्ड्स ठूसने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा एल्गोरिथम एडवांस है उनका, उनको पता चल जाएगा, वो करोड़ों सैकड़ों करोड़ों जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है उसके बीच में जज कर लेंगे कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो स्पैम की तरह आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, या आप उसको फेक डिस्क्रिप्शन की तरह आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक, कीवर्ड स्टफिंग उसके अंदर कर रहे हो, वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें एल्गोरिथम को बड़ी आसानी से पता चल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे बिगनर्स जो हैं, हम लोग फेस करते हैं एजेंसीज में, हम लोग फेस करते हैं क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, कोर्सेज के दौरान, बहुत सारी चीजें उसमें, वो उनका जो सीधा पर्पस वही होता है, कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स उठा के वो डिस्क्रिप्शन में भरने लगते हैं। उसकी ना पेज से आप रिलेवेंसी चेक कर रहे हो, ना कोई चीज चेक कर रहे हो, तो ये गलत है। इसको थोड़ी सी हैबिट आप बदलो, कीवर्ड्स सच अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है, लेकिन डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से लिखना है ये कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये इस चीज से रिलेटेड है कि आप उस डिस्क्रिप्शन को कितनी रेलेवेंट तरीके से आप अपने पेज के साथ मैच कराते हो, और कितनी अच्छी तरीके से आप यूजर्स को और साथ ही साथ सर्च इंजन को बता पाते हो कि मेरा पेज किस बारे में, ठीक है, दैट्स इट। सो चलिए, यहां पर मैंने कुछ टिप्स लिखी हुई है जो आपको हेल्प करेंगी, बेसिक बहुत बिगनर्स जो गलती करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आइए। अवॉइड डुप्लीकेटिंग मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, मतलब क्या हुआ, एक ही डिस्क्रिप्शन टैग उठा लिया, वेबसाइट के 10 पेजों पे लगा दिया, इसको अवॉइड करना है। डिस्क्रिप्शन टैग इज बेसिकली कि आपका जो पेज है वो किस बारे में है, उसके लिए होता है ना डिस्क्रिप्शन टैग, ठीक है। तो हर पेज का अपना अलग पर्पस होता है, अगर एक ही पर्पस होता तो एक ही पेज हम बनाते, इतने सारे पेज हम क्यों बनाते। तो जब सबका पर्पस अलग है तो आपको क्या करना है, सबके लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो कई बार हम लोग भी देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स का रिव्यू करते हैं, ऑडिट करते हैं, उस केस में देखते हैं, बट ये बहुत बेसिक सी गलती है जो लोग करते हैं, जनरली एक्सपीरियंस पर्सन नहीं करता है, कुछ टाइम भी अगर कोई एसईओ फील्ड में है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो उसे समझ में आ जाता है ये गलती नहीं करनी, बट ये थोड़ी सी आपको इन सारी चीजों के बारे में रिमाइंड कराने के लिए वीडियो है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन को डुप्लीकेट नहीं करना है, ठीक है। रिलेवेंसी विद द पेज, इसको चेक करना है कि जो आपके डिस्क्रिप्शन से जो मीनिंग निकल के आ रही है और आपके पेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए। देन राइट फॉर द यूजर्स, बिल्ड क्यूरियोसिटी, ठीक है, अब वही वाली फिर से चीज आ गई, ठीक है। राइट फॉर द यूजर्स मतलब यहां पर जब हमारा डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा तो केवल हमारा ही टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई देगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी होगा। तो अगर हम फर्स्ट रैंक पोजिशन पर हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पोजिशन पर हैं और यूजर को हमारा जो कॉम्पिटिटर है यानी यहाँ पर जो सेकंड पोजिशन पर, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, अच्छा लगा, या डिस्क्रिप्शन उसका अच्छा लगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके उसका CTR बढ़ाएगा भाई, वो हमारा CTR थोड़ी ना बढ़ाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम फर्स्ट पे नहीं रैंक कर रहे, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पे नहीं रैंक कर रहे, हम फोर्थ पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, हम फोर्थ पे रैंक कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसे हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन पसंद आता है, ठीक है, हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है, यूजर को कन्विंसिंग लगता है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट है जो उसको क्यूरियस करते हैं कि अंदर इस पेज पे क्या है, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस क्या है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो इसके ऊपर क्लिक करेगा और हमारा CTR बढ़ाएगा और धीरे धीरे चौथी पोजीशन से हमें खुद ही वो पहली पोजीशन पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। देन कॉल टू एक्शन कैन बी इंक्लूडेड, ठीक है, जैसे हम अपनी जिस वक्त हम सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं, अपने सर्च एड्स लिखते हैं, उसमें हम कॉल टू एक्शन वगैरह यूज करते हैं, वो एक एड कॉपी जो होती है वो इसलिए होती है ताकि हम कन्विंस कर सके कि भाई हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करो। वहां पर भी 2-3 ऐड दिखते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें भी अगर हम किसी पोजीशन पे हैं तो वहां पर भी हमें कन्विंस करना होता है, वहां पर भी हमें कन्विंसिंग चीज डालनी होती है, कन्विंसिंग टोन में हमें लिखना होता है, यहां पर भी हमें वही करना है, ठीक है। तो अगर कीवर्ड्स आप भरेंगे तो कन्विंसिंग टोन नहीं आएगी, कीवर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन यहां पर बहुत बहुत ही थिन लाइन है इस बात को समझने की कि कीवर्ड्स को भर देना उसके अंदर और कीवर्ड्स को नेचुरल लैंग्वेज में, कीवर्ड्स को या कीवर्ड्स से कीवर्ड्स की जो इंटेंट है उसको नेचुरल लैंग्वेज में उसमें यूज करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन टैग किस तरीके लिखने, शुरुआत में क्या गलतियां होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।